हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक स्टोन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी के बारे में, जो कि क्लास 9th का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। और एक चीज़ और, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो यहाँ पर इसमें जो है एटॉमिक नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट का नाम हमें पता है और हमें एटॉमिसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक तो इसका सिंपल हम मैनुअली भी लिख सकते हैं और इसका जो एक मैथड होता है वो भी हम उसके अकॉर्डिंग भी जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन होता है। और आप हमेशा ध्यान रखें, जितनी भी गैसेज होती हैं, ठीक है, जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इन सब की एटॉमिसिटी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है और ये डाई एटॉमिक होती हैं, ठीक है, हमेशा 2 के साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है और इसकी एटॉमिसिटी होती है 1। तो 1 वाली जिसकी एटॉमिसिटी होती है उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, ओके, तो वो सारी की सारी जो है वो मोनो एटॉमिक होती हैं, उनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो थर्ड होता है लिथियम। लिथियम भी क्या होता है, मोनो एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिसिटी होती है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है बेरीलियम। अब बेरीलियम भी यहाँ पर जिसका सिंबल होता है BE, ठीक है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होती है वो 1 होती है। उसी तरह तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक नंबर जिसका है 5, जो है बोरोन। अब यहाँ पर 1 स्टार, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ 1 स्टार क्यों लिखा गया है, बिकॉज इसके बोरोन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 1 स्टार, ठीक है। तो 1 स्टार का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर है वो है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी होती है, आपको पता ही है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो होती है 1। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पोली एटॉमिक, ठीक है, तो इस टाइप से एटॉमिसिटी डिवाइड होती है। तो जितने भी मोनो एटॉमिक होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, मतलब मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, ओके, और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो डाई भी हो सकते हैं और वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं और वो पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक से लेके पॉली एटॉमिक तक वेरी करते हैं, और मेटल्स आपको ध्यान रखने मोस्टली ही मोनो एटॉमिक होते हैं, और जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं वो सारी ही मोनो एटॉमिक होती हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है एटॉमिसिटी से रिलेटेड, आप हमारी लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूँगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है, ठीक है, और ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसी तरह से ऑक्सीजन जिसका नंबर है 8, उसकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी, 2, बिकॉज ये भी एक गैस होती है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर फ्लोरीन की, ठीक है। अब फ्लोरीन जो है वो हैलोजन है। अब हैलोजन्स का भी आपको ध्यान रखना है, वो भी 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा F2, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी भी हो जाएगी 2। तो नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है इस वीडियो का वो है नियोन। अब नियोन मैंने आपको बताया ही है कि ये एक टाइप के नोबल गैसेस होती हैं, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी जो एटॉमिसिटी है वो 1 होती है, ठीक है। नोबल गैसेस को आपसे पूछा जा सकता है ये MCQs में भी क्वेश्चन कि नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनो एटॉमिक होते हैं, वो डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई या पोली, तो आपको आंसर यहाँ देना होगा मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में हमने जो है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी देखी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।